60 साल के बाद में यदि आदमी सबसे ज्यादा सुरक्षित समझता है तो पेंशन के कारण ही अपने आप को समझता है। हमारे वाइस चेयरमैन साहब, हमारे उप प्रधान जी, हमारे सरपंच साहब बैठे और सभी हमारे विभाग के अधिकारी, सभी मीडिया के बंधु, सभी हमारे सम्मानित गुरुजन, सभी माता बहने, प्यारे साथियों साथियों, ये समझे चौधरी जी आयोजन हमने मेरे क्षेत्र के अंदर चालू किया था, विधायक बना था और हमने शुभारंभ किया था। देखो यह 90% लोग उस परिवेश के हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं, उनको शिक्षा का महत्व का पता है, क्योंकि वे शिक्षित नहीं होते तो कल्पना कर सकते हो उनकी स्थिति क्या होती। हमारे साथ में जो गांव में लोग रहते थे, जो बच्चे रहते थे और जो नहीं पढ़े और जिनकी नौकरियां नहीं लगी, जिन्होंने धंधा पानी नहीं किया, आप कंपेरिजन कर लो उन लोगों से कि आप में उनमें कितना अंतर है। जिन परिवारों में बच्चे नहीं पढ़े, जिन परिवारों के बच्चे नौकरी नहीं लगे और जिन परिवारों के बच्चे नौकरी लग के अफसर बन गए, आप गांव उन परिवारों से कंपेरिजन कर लो कि कितना डिफरेंस है। और इस बात को हम अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं क्योंकि अधिकतर हम उन्हीं परिवार से आकर पहुंचे हुए लोग हैं। साथियों, इसलिए हमने सोचा कि हमारी पहली प्रायोरिटी शिक्षा होनी चाहिए और उसी को लेकर हमने ये अभियान चालू किया था। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमको इस अभियान से हमारे क्षेत्र को फायदा भी हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में हमने प्रगति करी। मेरा फोकस था हमारे ज्यादा ज्यादा स्कूल खुले, ज्यादा ज्यादा हमारे कॉलेज खुले। और साथियों, आप सबको पता है जब मैं विधायक बना था, क्योंकि 80 से 90% मैं कहूंगा 95% लोग जो है बैठे गुरुजन वो स्थानीय ही है, शायद ही कोई ऐसा होगा जो बाहर का होगा। हमारे यहाँ पर जब मैं विधायक बना तो मात्र 27 सीनियर स्कूल थे और 17 थे हमारे सेकेंडरी स्कूल, 44 हमारे स्कूल थे और मेरे पास में करीब 60 एप्लीकेशन प्रिंसिपल्स की थी, इतनी थी 60 और कोई पद खाली था नहीं। मैंने सोचा अगे हमारे लोकल हैं, बड़ी उम्मीदों से मेरे को विधायक बनाया है तो शिक्षा में सुधार तो जरूरी है ही, लेकिन ये अपने क्षेत्र में भी आने चाहिए। मुझे खुशी इस बात की है जहां आपके दोनों मिला के 44 थे, उस विधानसभा क्षेत्र में आज 91 सीनियर स्कूल है, 91। इसका फायदा क्या हुआ? सब जो बाहर थे हमारे प्रिंसिपल्स वो यहाँ आगे, शायद ही कोई ऐसा प्रिंसिपल होगा प्रमोशन के बाद में हो सकता कुछ चले गए हो कि हमारा क्षेत्र का भार। तो देखो हमारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बनती है हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए कि हम उसी लगन से मेहनत कर रहे हैं। और ये भी सही है कि इनमें से 90% लोग दौसा में ही आने वाले टाइम में निवास करेंगे, आने वाले टाइम उनके परिवार यही निवास करेंगे। इसलिए सैनी जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी, अब शिक्षा के साथ में संस्कार भी अत्यंत आवश्यक है। जो अच्छे संस्कार होंगे, अच्छी शिक्षा होगी, हमारे क्षेत्र का वातावरण अच्छा होगा, हमारे सद्भावना का वातावरण होगा, तो आप तो चले जाएंगे, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी दौसा एक सुंदर शहर होगा। साथियों, कई बार अखबार में ऐसी बातें पढ़ते हैं, इस पॉइंट में इसलिए आ गया कि जब हमारे सीडीओ साहब बोल रहे थे, कई बार हमारी शर्म से सिर झुक जाते हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं, क्योंकि संत गुरु शब्द भी हमने इसलिए किया कि हम शिक्षित होकर रह गए, हम दौसा वालों को सबको गुरु बनना है। और एक उदाहरण एक किस्सा मैं सुना देता हूं। एक बार एक महिला थी, आम में कई लोगों ने सुन रखा होगा, उसका बच्चा बहुत ज्यादा मीठा खाता था, बहुत ज्यादा गुड़ खाता था और वो परेशान थी। एक रोज एक साधु एक गुरु जी के पास में ले गई, उसने बोला
और गुरु जी महात्मा जी मेरा बच्चा दिन में गुड़ खाता है, इसे बीमारी हो जाएगी, इसको बंद करो। गुरु जी ने बोला और माता जी अब तो जाओ इसको 7 दिन बाद में लेके आना। 7 दिन बाद में फिर वो वापस ले गई। गुरु जी ने झाड़ा दिया और फ्री कर दिया, जाओ छोड़ देगा। माता जी ने पूछा गुरु जी मेरे को दोबारा तुमने क्यों यहाँ पे डाफे दिलाए, उस ये झाड़ा तो उसी दिन दे सकते थे। महात्मा जी ने कहा अब माता जी मैं भी पहले गुड़ खाता था, पहले गुड़ मैंने छोड़ा है। मेरा निवेदन ये है हम बच्चों को संस्कृत तभी कर सकते हैं यदि, वैसे तो हमारे गुरु जी सब अच्छे हैं, लेकिन हम पहले हमें अपना आप में वो सद्गुण पैदा करें ताकि हम दूसरे में सद्गुण डाल सकें। इसलिए मैंने आपको ये बता दिया साथियों, ये विकास है, ये सारी बातें, ये सब तभी अच्छी लगेंगी जब हम अच्छे आचरण होंगे, सद्भाव होगी। जहां तक हमारे क्षेत्र का सवाल है, आप सब लोग जानते हो विकास के मामले में पढ़े लिखे हो, समझदार हो, हमारा एक सपना है दौसा के प्रति, जितना मैं समझता हूँ जितना मैं कर सकता हूँ, और मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ, मैंने इसलिए आपसे बोला है, और हर आदमी अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए सपने देखता है। हमने एक दौसा शहर जयपुर से मात्र 55 किलोमीटर की दूरी पर है, हमने ऐसा सिस्टम सेट करना चाहते हैं यहाँ पर, शिक्षा में सहयोग आप करो, आने वाले 10-20-30 साल में जब हमारी पीढ़ी हो तो हमको याद करें, और दौसा शहर राजस्थान का नंबर वन है हर चीज। यहाँ पे पानी की एक समस्या थी, उसका समाधान 90% हो गया, सेंसर हो गया, टेंट हो गया, सब काम हो गया, साल 7 में पहुंचेगा, पूरे 11 गांव में पहुंचेगा, पूरे जिले में पहुंचेगा। हम ये भी जानते हैं आने वाले टाइम में रोजगार के साधन कम हो गए, सरकारी नौकरियां है नहीं, जैसे चौधरी जी बता रहे थे इस तरह से प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, किस तरह से क्या क्या कर रहे हैं हमारी दूसरी सरकार वाले लोग, किस तरह से रेलवे को प्राइवेट दे रहे हैं, किस तरह से अपने जितनी सरकारी जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितने हमारे एयर इंडिया, भेल इंडिया, कोल इंडिया, जितने हमारी कंपनी है किस तरह से बेची जा रही है। ऐसी स्थिति में बुद्धिजीवी व्यक्ति वही है जो समय की नजाकत को समझ ले। आप ये मान लो जब सारी चीजें चले जाएंगी तो हमको प्राइवेट सेक्टर में आना ही पड़ेगा। इसलिए हमने दौसा जिले के लिए, आपको कहीं को पता होगा कहीं को नहीं होगा, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर घोषित हुआ है पिछले बजट में, माननीय मुख्यमंत्री मोदी ने किया था, 400-500 स्क्वायर किलोमीटर में जलपड़ा से लेके एक्सप्रेस हाईवे तक एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ेगा, वो इसलिए बढ़ेगा और हमारे आने वाली पीढ़ियों को रोजगार मिल सके। ये हर चीज है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सब बुद्धिजीवी हो, सब अच्छे हो, पढ़े लिखे हो, प्रत्येक काम के हो, हमारे यहाँ के निवासी हो, तो हमको लंबे समय के बारे में सोचकर चलना चाहिए और आने वाला समय हम सबके लिए कैसा हो। उसी प्रकार से हर चीज में हमारा फोकस है, शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों को मैंने बताया, हमारे सरकार ने मुख्यमंत्री महोदय ने आप सब पढ़े लिखे हो, पूरे प्रदेश के अंदर 250 कॉलेज हुआ करते थे, 250 केवल इन्हीं 5 सालों के अंदर 330 कॉलेज राजस्थान में खुले। आप ये देखो 70 साल में, 65 साल में 250 और एक कार्यकाल में 330 कॉलेज, और दौसा में 8 कॉलेज, 202 थे इस बार 8। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं यदि 8-8 कॉलेज एक एक में लेके खुलते तो 1600 कॉलेज खुलते राजस्थान में, जब 8 मठ में आते हिसाब लगा लो। और कई सर और कौन से खुले आप गिन लो, वैसे तो हमारे सामने वाले बड़े बहुत सच्चे हैं, हर झूठ सच्चे है उनका। मेडिकल कॉलेज खुला, राज्य सरकार केंद्र सरकार का आधा आधा पैसा होता है, जमीन हम देते हैं, राजस्थान में खां खुले गए राज्य सरकार तय करती है, जबरदस्ती गिनाते हैं। तो मेडिकल कॉलेज खुला, छावड़ा कॉलेज खुला, लवान कॉलेज खुला, नांगल कॉलेज खुला, सैंथल कॉलेज खुला, लॉ कॉलेज खुला, संस्कृत का आचार्य हुआ, अभी हाल ही में एग्रीकल्चर कॉलेज हुआ, 8 हो गए ने। अब देख लो क्योंकि मैं ज्यादा इसी बारे में बता रहा हूँ, ऐसे ही विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के कार्य है, जो जयमिन साहब बता रहे थे पर्यावरण वाली बात, पार्क वाली बात, दौसा की जब हमको ये पता है और दौसा तेजी से विकास करेगा, हमको ये पता है
क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, हम भागशाली भी हैं। भौगोलिक स्थिति कैसे है, राधा में कहीं भी देख लो, चार चार पांच पांच हाईवे कहीं से नहीं गुजर रहे, दौसा से गुजर रहे। एयरपोर्ट का रास्ता मात्र 50 मिनट का है। आज कोई हम कल्पना भी नहीं कर रहे, आज जब इंडिस एरिया बढ़ेगा, कोई हमारा फॉरेन प्रोडक्ट अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस कोई वहां का प्रोडक्ट आएगा तो उसका फायदा की फैसिलिटी भी चाहिए। तो दौसा से हवाई अड्डे का रास्ता मात्र 50 मिनट का है, दिल्ली में पहुंचने में 2 घंटा लग जाते हैं। बॉम्बे एक्सप्रेस आइए, दौसा एक्सप्रेस आइए, आगरा ये वो और उनकी सारी सुविधाएं। और ये इंडस्ट्रियल एरिया लेट इसलिए हो गया कि पानी नहीं था, जैसे पानी आ जाएगा आप रहे तो मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम में दौसा का देखना क्या स्थिति है। उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हम काम कर रहे हैं, उन्हीं बातों को ध्यान में रखते पॉल्यूशन का। इसलिए हमने नीलकंठ भगवान के महादेव पहाड़ी पे तोड़, लेकिन वो बाग खराब कर लेंगे पहाड़ियों में, जमीनों को डेढ़ दो दो सौ बीघा जमीनों में पार्क डेवलप कर रहे हैं आने वाले टाइम में। जल पड़ेगी ना हमको, हमारी जनसंख्या 5 लाख हो जाएगी 5-7 साल के अंदर। ऐसे ही आने वाले टाइम के लिए जो ओपीएस बताया, आप ये बताओ यहाँ जितने भाई, मैं खुद पेंशन देता हूँ, मैं सही बता रहा हूँ आपको, चाहे मेरे घर में 5 लाख रुपए आ जाओ, मेरे को 35 लाख पेंशन मिलती है। ये मेरे को इतनी अच्छी लगती है पेंशन, वो 5 लाख रुपए भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उनकी चॉइस नहीं है। आप भी सकते नहीं भी आ सकते, घाटा में जा सकता है, बाड़ा में जा सकता है, लेकिन मेरे को महीने के 35,000 रुपए तो वो, अभी तो मैं जीत गया इसलिए बंद हो गया, और हार जाऊंगा तो 50,000 ML निश्चिंत। और देखो मेरी बात सुनो, हेलो सामने जो पेंशन बांधी है ना गांव में, वो दूसरी बुढ़ापे में कोई माँ बाप को 1,000 रुपए महीना आप भी नहीं देते हो, बुढ़ापे में सरकार देती है 1,000। और जब बुढ़ापे में पेंशन मिलती है तो आपको मिलता है कहीं और को मिलो, पैसा तो खर्च हो जाता है। आजकल तो रिटायरमेंट में घूम लेते हैं 60 लाख 70 लाख, ये हमारा बात तो ऐसा बढ़ गया, और 10-15 लाख तो जीवने में उसी दिन खर्च कर देते हैं। उस पैसे को छोरा छोरी खर्च कर देते हैं, कोई धंधे में, कोई बिजनेस में, कोई मकान में। और कई जिनको पेंशन नहीं मिलती है, कई को भी अगर ऐसी मेरे नजर में लोग है जिनको पेंशन नहीं मिलती है, वो थोड़े तंग रहते हैं। तो प्रधान जी, बहुत अध्यक्ष जी, ये सहकारिता से रिटायरमेंट इनको पेंशन नहीं मिलती है। सही है साहब, अब कितना कॉन्फिडेंस हर के ईमेल मेरे में, क्यों मेरे को पेंशन मिलती है, मेरा किसी की परवाह है नहीं। और प्रधान जी सोचते यार कमाओ थोड़ा बहुत तो कुछ धंधा करूं, मैं तुम्हें तो कुछ नहीं करूंगा, मेरे को तो पेंशन मिलती है, मैं दुनिया की ठेकेदारी नहीं लेता। कोरोना काल के बाद में हमारा राजस्थान का एवरेज 7% एडमिशन सरकारी स्कूलों में कम हुआ था, मुझे खुशी इस बात की है। एवरेज हर चीज का एनालिसिस एवरेज से किया जाता है, हमारा दौसा में मात्र 2.5% कम हुआ है, और विधानसभा की मेरी गारंटी नहीं है। हम एवरेज में अन्य जिलों से, अन्य विधानसभाओं से काफी आगे हैं। जैसे रिजल्ट पूरे प्रदेश का रिजल्ट, अब ये बताओ हमने शिक्षा में अब ये डाउन हुई है भाई, तुम ऐसा ढूंढते हैं कोई कोई बहाना। एवरेज रिजल्ट पूरे प्रदेश का 80-81% रहा पूरे प्रदेश का, हमारे विधानसभा का रिजल्ट एवरेज रिजल्ट से 7% ज्यादा है। इसका मतलब शिक्षा में सुधार हुआ है। अब हमारा होगा 87% रिजल्ट, अब ये क्या कहते हैं 13% रिजल्ट कम रहा, 13% रिजल्ट, अरे कम तो रहा हो तो हमको भी पता है, ये पूरे प्रदेश से 7% ज्यादा रहा, ये तो पूरे प्रदेश से हमारा एडमिशन ज्यादा रहा, पूरे प्रदेश से हमारा एवरेज कॉलेज आठ ज्यादा खुली, पूरे प्रदेश से हमारा एवरेज स्कूल बहुत ज्यादा खुली, पूरे प्रदेश से हमारे सड़कें ज्यादा बढ़ी, पूरे प्रदेश से और काम हमारे ज्यादा हुए। और एक और मैं आज सुबह ये पढ़ रहा था,
नहीं सहेगा राजस्थान भ्रष्टाचार, पढ़ा होगा अजय बताओ। ये गुर्जर बंधु है, शिक्षित बंधु है, मैं कोई बात नहीं करता। मैंने बताया ना गुरु, मैंने आपको किस्सा सुनाया पहले, हर चीज हर सुधार सबसे पहले स्वयं से चालू करना चाहिए। मैंने कहा ना गुरु जी का गुण छोड़ने वाली बात, गुरु जी गुण नहीं छोड़ेंगे तो चेहरा कैसे छोड़ेगा। मैं कह सकता हूं ये जो इन्होंने पोस्टर चिपका रखे, ये गांव में चिपका रखे, नहीं सहेगा राजस्थान भ्रष्टाचार। कोई माई का लाभ मेरे राजनीतिक जीवन में ये खेदे, अब मुरारीलाल मीणा ने कभी किसी से एक रुपए लिया तो राजनीति छोड़ दो। ऐसे ही है ना, आप सब गुरुजनों 500 आए लेक्चर सेकंड ईयर प्रिंसिपल 500 आए और विभागों में हजारों आए। एक आध तो कोई ऐसा मिलेगा माई का लाल जिससे पैसे लिए, ठेगा चौराहे पे हमने लिए। अब ये बताओ वो क्या नहीं सहेंगे? मेरे को ऐसा लग रहा है उनका कहने का मतलब है हम ईमानदारी नहीं सहेंगे, हम ईमानदारी। अब बताओ आप, अरे थोड़ी बहुत तो न्याय की बात करो, पहले की बात छोड़ो। कई कहते हैं जब पहले पैसा नहीं होता था सरकार के पास, हाँ सही बात है, 2008-2013 में था, उन कामों को जोड़ लो और उसके बाद में 13 से 18 को जोड़ लो और आपका जोड़ लो, बीच में भी तो आपका कार्यकाल रहा, बीच में भी तो रहा। चलो ये सब अलग बात है, मेरा तो आपसे निवेदन ये है आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए, क्योंकि ज्यादातर यही बसों में मुझे पता है। देखो फायदा क्या है, जयपुर का 1.25 घंटे का रास्ता है, हम मध्य वर्ग के लोग हैं, जयपुर में आदमी 2 करोड़ रुपए में सेटल होता है, 1.5 करोड़ का प्लॉट 60-70 लाख बनाने का, 200 में आदमी 50 लाख से 70 लाख में फैमिली सेट कर लेता है, 20-25 लाख का प्लॉट और 40-50 लाख बनाने। तो मेरे को पता है आप शिक्षा जगत के लोग हो और वो भी हो, सही बात है, और आप उस दिशा के हो, पहली बात आप ईमानदारी हो, लेकिन भ्रष्टाचार करना चाहो तो भी नहीं मिलता है। इसलिए हम तो मध्यम परिवार के लोग हैं, तो आप ये सोच लो, आप ये चाहते हो और दौसा का सर्वांगीण विकास हो, दौसा का वातावरण अच्छा हो, या इंडस्ट्री आए, अच्छी एजुकेशन आए, शिक्षा का स्तर बढ़े, तो फैसला भी उसी हिसाब से करो। क्योंकि जान लो मेरे को भी 20 साल हो गई, ये सारी बातें बहुत लंबी थोड़ी बात है, अपना तो अलग ही, क्योंकि मैं तो रात की बात करना नहीं चाहता, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब चौधरी जी ने छेड़ दी फिर मैं भी बीच में मार लेता हूँ, सही बात है ना, क्योंकि सब पढ़े लिखे लोग अच्छी स्थिति साधे पर दिक्कत नहीं है। आपको न्याय कर देना, अपने आत्मा भाव धर लेना, अपना दिल भाव धर लेना और निष्पक्ष आंख बीच के फैसला कर देना, और आपके आत्मा से आवाज आए हमारा भविष्य ठीक कहाँ है, हमारा भविष्य कौन सा नेता सही डायरेक्शन में ले जा रहा है, हमारा भविष्य कौन सी सरकार सही डायरेक्शन में जाए, तो उसी हिसाब से फैसला करना। गलत फैसला करोगे तो हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा। आप लोग हैं ये तो विभिन्न प्रकार के माहौल बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के आरोप लगाते हैं, ऐतिहासिक गवर्नमेंट हुआ है, आज नवसा शहर जैसा लग रहा है, पानी आ रहा है, पानी आ रहा देखना, कई बार तो बीच में ये लोगों से कहते था मेरा जीतने का मन नहीं, ये प्रधान ये सब लड़ते थे मेरे भाई हेमराज जी, जब ऐसे मत बोला करो, ये अब मेरा मन है, इतना है, हमने इतने काम करवा दिए, मैं नहीं चाहता अब उनका आवार अनारण कोई दूसरा करे। किसी ने बार मेरे नाम ले एसडीओ खुलवाया, पट्टी किसी आने वाले ने लगा दी, तहसील खुलवाई सेंटर पट्टी किसी और ने लगा दी, हमने क्या सेंटर में खुलवाई वहां पट्टी और ने लगा दी, दौसा की रोड 10 करोड़ की मैं सेंसिट करवा के गया था पट्टी किसी और ने लगा दी, आज की तारीख में हमारे इतने कॉलेज इतने भवन इतनी बिल्डिंग इतना जो आप ये कह रहे हो, हमें चाहते हैं कि आने वाले टाइम में हमारा शिक्षक सम्मेलन जो भागी रोड के पीछे की साइड में 18 करोड़ का पिंडला रिटर्न जैसा बन रहा उसमें हो, और मैं आ गया तो उसका नारू कोई और करेगा,
सही बोले एग्रीकल्चर कॉलेज लॉ कॉलेज ये कॉलेज अपने अभी मेडिकल पूरा हो रहा है लॉन, तो मैं चाहता हूँ सबका नारा मैं ही करूँ। सही है ना बात। और पपराज माता नीलकंठ भगवान की कृपा रही तो मामला फिट है। मामला अब उन फिट मामले को क्या करना है, फिट को और फिट करना है। कैसे करना है फिट बताऊं? देखो मेरे में इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा है, मैं रहता सीधा साधा हूं, बिल पार मेरे में बचपन से है, मैं सिगरेट पढ़ा हूं, मेरे कई गुरुजन रहे हैं, वहां साइंस थी तो बिल पार मेरे जबरदस्त है। तभी तो बिल पाव नियोजित तो पेंशन आता की नौकरी भी ना धंधा पानी कुछ छोड़ दे। मैंने मई में नौकरी छोड़ी, नवंबर में मेला पड़ गया, चार महीना में बिल पाव कैसे है और बांधी कुछ है। तो मैं ये जा रहा हूं इस बार आपके मेरे को आपने चौथे नंबर पर टेका था राजस्थान, पहले नंबर पर कैलाश मेघवाल थे, दूसरे नंबर पे राजस्थान में था एक नंबर पे 42,700 से। जब आपकी इतनी कृपा है जब ये निश्चित है हम जीत रहे हैं तो भाई एक नंबर पे क्यों ना पहुंचा जो लड़ाई है एक नंबर की। देखिए इसलिए मैंने जान लगा रखी, अपने सैनिक जी कह रहे कि मंत्र जी की चाल बहुत तेज है, ये चाल मैंने इसलिए बढ़ा रखी है कि एक नंबर पर आना है। ठीक है ना, इसलिए भाई ईमानदारी से कर रहे हैं, साफ सुथरा कर रहे हैं, सोच के कर रहे हैं, आने वाले भविष्य के लिए अच्छा कर रहे हैं, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा कर रहे हैं, जितना समझते हैं इतना कर रहे हैं, हमारी पूरी योग्यता जितनी क्षमता उस कैपेसिटी से काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ जनता तो ठीक ही है। इसलिए मैंने जान लगा रखी, अपने सैनिक जी कह रहे कि मंत्र जी की चाल बहुत तेज है, ये चाल मैंने इसलिए बढ़ा रखी है कि एक नंबर पर आना है। ठीक है ना, इसलिए भाई ईमानदारी से कर रहे हैं, साफ सुथरा कर रहे हैं, सोच के कर रहे हैं, आने वाले भविष्य के लिए अच्छा कर रहे हैं, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा कर रहे हैं, जितना समझते हैं इतना कर रहे हैं, हमारी पूरी योग्यता जितनी क्षमता उस कैपेसिटी से काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ जनता तो ठीक ही है। अब मेरा एक निवेदन है, आज हमारा सेक्शन सम्मेलन गुरु सेक्शन सम्मेलन हुआ है, अब अगली बार हम ये चाहते हैं जो रेगुलर रखे हवाई यात्रा, मेरे बच्चों को करवाई और यात्रा करवाई, और देखो इसको ये जो हमारा प्रोग्राम है इंडिया में नंबर वन का प्रोग्राम है, और इसको नेशनल मीडिया में पकड़ लिया, अपने नेशनल मीडिया में इसको पकड़ा है, और मैं समझता हूँ इसको रेगुलर रखेंगे तो और नेशनल मीडिया इसको पकड़ेगा। अब अगली बात हमारे आप ये बताओ 47 स्कूलों के मीडिया वाले खड़े हैं सब, 47 स्कूलों के रिजल्ट 100% रहे, राजस्थान में रहे कि खाई 47 सरकारी स्कूलों के रिजल्ट 200 विधानसभा में 100% रहे, तो बताओ जब भी शिक्षा में फैसिलिटी खाओगे भाई हम ये कोशिश करेंगे अगली बार 91 के 100% रहे, ये हम कोशिश करेंगे। लेकिन ये मतलब मनोबल टूट जाता है जिन बच्चों को जिन हमारे प्रिंसिपल ने मेहनत करी है और 47 स्कूलों में रिजल्ट 100% लाए, हम उनको सम्मानित करेंगे, जिन हमारे 14 बच्चों ने नंबर वन प्राप्त किया है उनको हम सम्मानित करेंगे, और यदि हम उनसे खेदे यार ये तो तुम्हारी 90% हुआ था इस बार तो 99 नहीं लाए तो इनका मनोबल टूटेगा नहीं। तो मेरा मीडिया के बंधु से निवेदन है आप भी हमारी इस योजना को अप्रिशिएट करो, फैसिलिटी नहीं और सुधार ये सारी, तो इसलिए अब उसमें अब ऐसा निवेदन है मेरा पिछली बार भी इच्छा थी लेकिन मैं कर नहीं पाया। जो यात्रा हम करवाते हैं पिछली बार क्या हुआ, मैंने हमारे प्रधान की घोषणा कर दी थी, मैंने कि भाई तुम सारे प्रधान बना दो मैं तुमको किसी धार्मिक स्थान की यात्रा करवाऊंगा, और ऐसे में चेयरमैन साहब चलेगी सारे पार्षदों से कहा तू मेरा बोर्ड बना दो मैं तुमको धार्मिक यात्रा करवाऊंगा, क्योंकि प्रत्येक एमएलए को साल में 3 लाख रुपए घूमने के मिलते हैं और पांच साहब
पांच साल में मिलते हैं 15 लाख। अब मैंने इनकी मांग पूरी कर दी, प्रधान की पूरी कर दी, चेयरमैन की पूरी कर दी, इनको अब वैष्णो देवी के दर्शन कराए। अब यदि आप रिजल्ट टॉप लाओगे तो अगली बार जो 7% रिजल्ट वाले स्कूल हैं और जिन हमारे गुरुजनों के रिजल्ट 7% रहेंगे उनको मैं ट्रेन से यात्रा माता जी की करवाऊंगा। ठीक है ना? अब आप ये सब चाहते हो, अब मेरे साथ में वैष्णो देवी चलो, मेरे साथ में माता जी की चलो। और तुम यदि ये भी सोच रहे ना, तुम यदि सोचो कि साहब वैष्णो देवी हम जाए, हम तो तिरुपति बालाजी ले चलो, तो मैं वहां भी ले चलूंगा। ले जाएंगे उन्हीं को जिन स्कूलों के रिजल्ट 100% रहेंगे, ले जाएंगे उन्हीं को जिन लेक्चरर्स के रिजल्ट 100% रहेंगे। और बच्चों का तो हवाई यात्रा है ही, साथ साथ में ये भी है, लेकर भी आएंगे। ठीक है ना? इसलिए क्या है, मीटिंग थी, बीजेपी का सर्वे भी आ गया, कांग्रेस का सर्वे भी आ गया और अमित शाह भी भरतपुर में फैल गया। अखबार सफा था, अमित शाह जी ने कहा है कि भरतपुर में 200 हम कमजोर है। लेकिन अपने चाहते हैं जोरदार, मतलब अपने चाहते हैं मामला फिट रहे, जोरदार रहे, उसी हिसाब से आपको सब काम करने हैं। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ सीरियसली, ये गलत पॉइंट था। यदि आप ये चाहते हो जो दिशा हमने क्षेत्र को दी है, शिक्षा के क्षेत्र में, डेवलपमेंट के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, हम ये चाहते हैं ये सही दिशा मिल गई और हमने सही काम कर लिया तो आने वाले टाइम का दौसा नंबर 1 जिला होगा और हम उस ट्रैक पे काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि भाई मैं कोई ज्यादा योग्य में लू या मैं ही ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ या मैं ज्यादा समझता हूँ। हर आदमी भी अब तो होती है, हर आदमी पढ़ा लिखा है, हर आदमी चाहता है ज्यादा काम हो, लेकिन अलग अलग अनुभव होते हैं, अलग अलग ट्रैक होते हैं। ये जो भांगरी रोड पे हमने नवाचार किया आपको पता है। अब जब एक बात जोड़ता, एक लोग कहते हैं कि साहब भाकरी रोड से 2-3 करोड़ की मोहर बेच दी, पढ़ा आपने? अरे ये को 15 साल के बाद में ये बाउंड्री वाल नहीं करते थे, पहाड़ी खत्म हो जाती, ये हो जाती क्या? ये मेरे कैसे, मैं मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया था आपको पता है, मेरा बेटा वहां बिहार डीएम लग रहा है, वो भी हम जैसा ही है। तो मैं वहां गया था तो उसने पार्क डेवलप करवाया था 40 बीघा में। मैं तो सुबह से मेरी तबियत खराब थी, एक महीना रह गया था तो मैं घूमने जाता था, तो मेरे दिमाग में आया अपन दौसा में भी ऐसा पार्क एक बनाए, बहुत जोरदार बन रहा है। और वहां तो क्या सीएसआर का पैसा दुनिया भर का मिल जाता है। तो मैंने दिमाग में आई यहाँ पे, मैंने देवेंद्र साहब को सबको बुलाया, मैंने सबको बुलाया और हमने काम चालू कर दिया। आज अपना वो पार्क अभी तो उसमें बहुत काम होना है। अब आप देखना हमारे जो सपने हैं, उसमें बहुत सपने हैं हमारे, आने वाले 20 साल के 30 साल के 40 साल के सपने हैं हमारे, तो उनको हम साकार करेंगे आपके सहयोग से। इसलिए क्या है कि मेरे को भी आज ही मेरे को जाना है, मुंबई जाना है, शाम को मेरी 5 बजे फ्लाइट है। मेरा तो हम सबसे निवेदन है कि हमारे संवाद, ये गुरु सिख सम्मान, ये सब चीज, ये सब रेगुलर है। और दौसा के मामले में देखो मैं एक निवेदन करता हूँ, सद्भावना जरूरी है, भाईचारा जरूरी है, इसका मैं आपको एक एक्चुअल उदाहरण दे देता हूँ। अपने एक मोदी फैमिली है, मैं पिछली बार एमएलए था तो काला खोकर पास में जमीन ली थी इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के लिए, 5-6 महीने बाद में मेरे को मिले नहीं हो, मेरे और जयपुर मिल गए, मेरे की कॉलेज का क्या हुआ? कह यार हमने तो जमीन बेच दी। मैं क्यों बेच दी? कह हमने टाउन रोड करी थी। मैं क्यों? कह हमको फीडबैक ये मिला था और 2-7 क्षेत्र का वातावरण ठीक नहीं है, तुम कॉलेज में पैसा लगाओगे कब कोई धरना दे दे, कब कोई प्रदर्शन कर दे, कब कोई तुम्हारी कॉलेज के शीशे तोड़ दे। इसलिए मैंने वहां 50 करोड़ रुपए इन्वेस्ट नहीं किया और टाउन रोड पर कर दिया। बताओ, मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, हमकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ का वातावरण भी अच्छा हो।
बहुत से लोगों तो यही चाहते हैं, बहुत से लोग तो फैलाना चाहते हैं। आपको पता है तीन चार गंदी घटना इन्होंने, अपना आप यहाँ बैठे हो, अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ, तीन बार कांटा कर चुके, ये चुनाव का टाइम आप सावधान रहना। अभी राम मंदिर यहाँ गुप्तेश्वर रोड वहां है, सोशल मीडिया पे क्या चला दिया, और राम मंदिर गुप्तेश्वर के बीच में मस्जिद बनाई। बताओ एक अल्पसंख्यक छात्रा से बाईपास में बना रहे कितनी दूर है, तो आठ दस रोज तक का माहौल खराब कर दिया। हमने नीलकंठ पे कई करोड़ रुपए स्वीकृत करवाए, चारों तरफ बाउंड्री करवा रहे, पीछे गेट इसलिए निकाल रहे की जब दौसा की जनसंख्या बढ़ेगी तो गाड़ी पल्ली साइड खड़ी करके नीलकंठ भगवान के जाओ, क्या कहते हैं साहब मर्यादा खत्म कर दी, मर्यादा खत्म हो गई या बढ़ गई। वहां की एक रोज एक बच्ची को आईटीआई कॉलेज में कोई लड़कों ने उसकी नियादी कर ली, अब वो बच्चे सभी थे, मीना थे, पूज थे, ब्राह्मण थे, बढ़िया थे, ठाकर थे, आठ बच्चे थे। अखबार में छाप दिया मंत्री का मकान के पास में एक बच्ची को मीना को जोरों ने पीटा। अब बताओ इन बेईमानों से कैसे जीतोगे, इन बेईमानों से कैसे जीतोगे, नहीं सहेगा भ्रष्टाचार, नहीं सहेगा ये, नहीं सहेगा वो। अरे अपने गिरवान में झांको, तुम खाओ हम खाए, तुम्हारा चरित्र कैसा हमारा चरित्र कैसा है, तुम कितने ईमानदार हो हम कितने ईमानदार है, हमने कितने विकास के काम किए, तुमने कितने विकास के काम किए, हम इस जिले को किधर ले जाना चाहते हैं, तुम इस जिले को किधर ले जाना चाहते हो। इसलिए मेरे साथियों आप सब जिम्मेदार व्यक्ति हो, आप ये चाहते हो हमारा टाइम तो निकल जाएगा, और जिले को सही डायरेक्शन दे जाए हम, इस जिले को सही ट्रैक पकड़ा जाए हम, इस जिले को आने वाली पीढ़ी के अच्छा जिला बनाए जाए हम, तो आप सबको सोच के काम करना पड़ेगा। आप सब यहाँ पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्यार से भोजन करना, और भगवान चाहे दोबारा अगला सम्मेलन अपन सब कर, और इन बच्चों को तो मैं यात्रा करवाऊंगा, शिविर करवाऊंगा, और इस प्रोग्राम को हम रेगुलर रखेंगे, मैं तो रखूंगा ही, ये रेगुलर प्रोग्राम रखने के लिए आपके सहयोग की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत धन्यवाद, राम राम साहब।